प्रस्तुत करता सबूरी चाय, आपसे मेरी चाय भी सबूरी चाय। ऐसे मतलब तांको खंचा? हाँ। अच्छा फिर दो इसका पीछा लेकर। अच्छा एक पीछा खंचे का। तान पाड़े बाड़ पाड़े नौकर का। तो ये फिर उससे बैठने से उन्हें फिर उसके बाद इतना मोटा डंडा था उस पर दो इस साइड चले दो इस साइड चले खत्म तो कर दिया ये मैं कड़े लगूं बहुत कल्ली थी मैं। बाकी एक्सरे के बाद आगे विचार करते हैं कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं इस मैटर को अरुण को किसी भी सूरत में बक्सा नहीं जाएगा। ठीक है सर सच बोलना बस सच सच बताऊंगा मैं काम पर एक फोन कर रहा हूँ वहाँ आ जा मैं गया मनन तक है मैं जनाब मैंने नहीं कुछ भी कर रहा एक नाम पता कौन किसी नाम पता कौन था सर नाम तो अच्छा ठीक है सर जी। अच्छा फिर उसके बाद फिर उन्होंने मनन का जोड़े पैर भी जोड़े और नु कह लगे जी तन्ने तो बक्स दे पाँच बंदे थे पाँच थे हाँ दो इस साइड एक पीछा था एक आ गया था। अच्छा हाँ सर नहीं मेरे को जैसे बुलाया सी आई है मैं लेके क्या क्या पूछा तेरे को पहले मेरे तो फ़ोन ले लिया पहले तो वो ले लिया हाँ फिर वो मनन तो पूछा मैं जनाब बात क्या है ना ऐसे ऐसे चोरी हुई है मैं जनाब बताया ऐसे ऐसे नहीं बता क्या चोरी हुई मैं बता फोन चोरी हुई है मैंने कहा जी मैंने कोई चोरी नहीं कि मेरा कहीं रिकॉर्ड नहीं है चाहे मेरे चेक करवा दे। अच्छा हाँ जी अच्छा फिर मैं काम पर था काम पता आ गया जी मैं पिंडार से मैंने काम पर रामदेव बस गेट लिया मैं तो रात में भी 12:30 बजे दारू पी गिरने के बाद क्या करा बस जी फिर तो जुट गए मेरे पता अरे बता ना क्या क्या जुट गए ऐसे मतलब टांग को खंचा। हाँ अच्छा फिर दो इस साइड का एक पीछा लेकर। अच्छा एक पीछा खंचे का कान पाड़े बाड़ पाड़े नौकर का। तो ये फिर उससे बैठने से उन्हें फिर उसके बाद इतना मोटा डंडा था उस पर दो इस साइड चले दो इस साइड चले। तो फिर उसके बाद दारू पीने के बाद जिम्मे तेन ले तन्ना तेरे दारू पी रखी दारू पी रखी। अच्छा पाँच आदमी थे हाँ पाँच आदमी उनमें किसी को कोई उसका रैंक का किस टाइप के थे पाँच आदमी थे आंधोई में मेरा थप्पड़ मार गया जब रात में 12 तेरी टांग टूट के फिर भी पीट पीटता रहे हाँ। जब भी लत मारी गाड़ी गलोच इतनी गंदी गंदी गाड़ी गई तेरे बच्चे ने उठा ले तेरे फैमिली ने उठा ले मनो तेनो का सर मैं गोली मार दूँ मतलब आतंकवादी जब सारी जिंदगी तो सारा सारा शरीर तो इन्होंने खत्म कर दिया खत्म तो कर दिया ये मैं कड़े लगूं बहुत कल्ली थी मैं आप तू दाना दो थी बहुत गनोनी हरकत करी है गैर कानून से बाहर जा करके ने काम किया तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस मैटर को एसपी से पहले एसपी को फिर डीजीपी साहब को होम मिनिस्टर को पूरी इस पर कार्रवाई कराएं कानूनी और उनको किसी भी सूरत में बक्सा नहीं जाएगा बिल्कुल। जी किस धारा में 411 में जी तो पुलिस वाले अभी क्या कह रहे हैं आपको वो तो कुछ नहीं कह रहे जी वो तो कह रहे आज जाएंगे कोर्ट में लेते हैं। अच्छा चलो जी मैं सर तो कोई गुना करता हूँ कोई पुलिस के द्वारा कोई प्रेशर हो रहा है आपके ऊपर नहीं कोई प्रेशर नहीं फोन करके बुलाया नो ऐसे ऐसे मामला है मैं पहुँच गया जी वहाँ जाकर उन्होंने मेरे फ़ोन ले लिए सारे कागज ले लिए और वहाँ जाकर नंगा करता है मतलब दो टांग बंदे इस टांग का दो बंदे इस टांग का लग गए मेरे ठीक है जी एक बंदा पीछे था बाल पाड़े मेरे कान खींचे नूतर करके सर ठीक है अख नूकर करके नूर करे जी फिर दो बंदे इतना मोटा लठ लेकर दो इस साइड से दो साइड लग गए जी ये टांग तो मेरी ख़त्म हो गई सर जी प्रेशर है। हाँ जी है क्या कह रहे हैं वो नो कह रहे थे नुआ नहीं करेगा ना तो बच्चे ने बिठा लेंगे तो घराली ने भी ले जाएंगे ना सब ने कुटेंगे एक बार नो तो हम सारे मुलजिम हो गए ये बात कही गई है मेरे से भाग जाए यहाँ से मैं मेरे पता चले नहीं जाना मैं भागू कहाँ पे भागन जो पता है ही नहीं मैं भागना आंदे में पहले भाग दिंदे मैंने कहा जुड़ूम करके अपने रात को भी आंदे मेरे को पिटा है जी मैंने और दारू पी पी के दारू पी पी के वो दारू पी रहे थे जी कहाँ पे प्रभुराम कहाँ पे रहते हैं सेवन बी जी 11 बजे के आसपास रोहताश नाम का मरीज दाखिल हुआ है जो पुलिस लेके आई थी उसके लेफ्ट कुल्ले में चोट लगी है बाकी अभी एक्सरे हो जाते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल आई है बाकी एक्सरे के बाद आगे विचार करते हैं कि उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है या ऐसे काम पर लग रहा है कि फ्रैक्चर हो सकता है आपको क्या लगता है कि वो
अभी इस बारे में कहना मुश्किल है, फ्रैक्चर जैसा आता है उसको देख के हम कह सकते हैं कि कितना फ्रैक्चर है और वो चोट से लग सकता है। या ने क्या कार्रवाई की आपके पति के ऊपर? अभी तो कोई जो मारे पिटिया उन्होंने करे भी भाज जा तू, ये खुद पेश होया, उन्होंने कह रहे ने भी मैंने पकड़िया, खुद पेश होया, मैंने खुद फोन करके कहा भी तू जा, ये खुद गया, इन्होंने तो गैली धर लिया जी, पिटिया पहला पिटिया, फिर पाँच बजे से पिटिया, फिर रात में दारू पी के फिर पिटिया पाँच जाने ने, दो तीन बार रिमांड, बिना बिना ऑर्डर तो किस तरह रिमांड ले ली उन्होंने, वो हाथ भी नहीं ला सकते कोर्ट के ऑर्डर तो, पर्चे तो वो तो लगा नहीं सकते। मैं क्या करूँगी, सारी जिंदगी वास्ते बैठ गया, तो मेरे बच्चे की पढ़ाई भी है, मेरा घर भी है, मैं कल्ली ही आऊँगी, न्यारी आऊँगी मैं घर, तो मैं किस तरह करूँगी, मैं किसके बर्तन मांजूंगी, है कड़े जाऊँगी मैं। मां लड़का नहीं है, अगर कहीं भी गलत तरीके से एक मोबाइल उससे परचेज हो भी गया और वो चोरी का था, तो ये पुलिस को किसने अधिकार दे दिया कि उसको टांगे पकड़ के दोनों तरफ सर इस तरह से टॉर्चर करो, उसके बीच से पाड़ने का प्रयास करो। जब ये देख लिया कि इसके हाथ पांव नहीं उठ रहे हैं, इसको ये प्रयास किया इन्होंने कि तू यहाँ से भाग, क्या इसको एनकाउंटर करने का प्रयास था पुलिस? हाँ, क्या साबित करना चाहती थी पुलिस? और पुलिस को यह अधिकार दे किसने दिया? सर सबसे बड़ा सबूत इसका ये है बेगुनाही का, कि जब इसको फ़ोन किया, ये बंदा अपनी साइड से आया, बाइक पे आया, अकेला वहाँ पहुँच गया, किसी को सिफारिशी को नहीं लेके गया, किसी को लेके नहीं गया, अभी भी वो इसकी बाइक वहीं खड़ी है सीआईए में, ये इससे सबसे बड़ा सबूत है कि ये लड़का बिल्कुल निर्दोष था, साफ मन से गया था। अगर बाई चांस चोरी का मोबाइल खरीदा भी गया तो ठीक है, आप चलान करो उसका, ये क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि हमारा समाज जो गरीब समाज है उसको जितना मर्जी। आप क्या मांग करते हैं अभी? हाँ जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इस पे जो ये अपराध इन लोगों ने किया है, खाकी वर्दी डाल करके जो अपराध ये लोग इन गरीब लोगों पे कर रहे हैं, इसके साथ जो जाति की है, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो, लीगल एक्शन हो। और ऐसा नहीं है, अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देगा, अभी हम एसपी महोदय से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ तो ऐसा नहीं है कि फिर हम इस पे आराम से बैठेंगे, पूरे समाज की हम मीटिंग करेंगे, इस पे जो भी निर्णय होगा, आदरणीय राम कुमार कश्यप जी जो हमारे विधायक हैं, हमारे नेता हैं समाज के, वो भी आपके सामने बोल के गए हैं कि विधानसभा में उठाएंगे, जो भी डायरेक्शन होगी हम उस पे एक्शन लेंगे, इन लोगों के खिलाफ जाएंगे, हम हाईकोर्ट तक भी जाना पड़ा, हम जाएंगे इनके खिलाफ लड़ना पड़ा। जो क्या बात हुई, देखिए एक कश्यप समाज का जो है लड़का, एक ठेकेदारी काम करता है, ठेकेदारी में उसने जैसे मुझे बताया है, परिवार वाले ने बताया, उसके रिश्तेदारों ने बताया, इसने कोई मोबाइल जो है किसी दुकानदार से लिया था, लिया तो वो उसने उसकी रसीद तो नहीं ली, खैर उसने उस पता जैसे पता लगा उसने पैसे लेने थे उससे, पैसे के वो भी उसने मोबाइल दे दिया, तो उसके बाद उसकी चोरी हो जाती है, तो चोरी के चक्कर में फिर वो मोबाइल भी कहीं ना कहीं, क्योंकि नाम तो किसी और के था, वो हो सकता है वो उस इंक्वायरी कराने के लिए सीआईए वाले फिर उसको वहाँ पर सीआईए सब में बुला लेते हैं, जब बुला लेते हैं तो बुलाने के बाद उसको इतना टॉर्चर करते हैं, पांच आदमी, दो पुलिस कर्मचारी उसको एक बार उसकी टांग पकड़ते हैं, दो एक टांग पकड़ते हैं, और फिर बहुत बड़ा मोटा, जैसे मैं अभी पूछा है, बहुत बड़ा मोटे डंडे से, लाठी से उसके ऊपर वजन डालते हैं, मतलब उस पर बैठ बैठ कर उसको इतना टॉर्चर किया गया, जैसे वो बता रहा अभी उसकी तो हड्डी टूटने पर नो बताया, हड्डी टूट गया और वो बड़ा दुखी है, बहुत असह मतलब महसूस कर रहा है, उसका मतलब ऐसा लग रहा है उसका शरीर जो है सारे जीवन काम करने लायक नहीं रहेगा, बहुत ही मतलब दुखद घटना है। तो मतलब घिनौना हरकत मैं कहूँगा सीआईए स्टाफ की तरफ से किया गया, मान लिया वो चोरी का भी था मोबाइल, तो उसका बनता था उसको चोरी का पर्चा दर्ज कर दिया, अब देखिएगा उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया, वो क्रिमिनल तो था नहीं, हार्ड क्रिमिनल तो था नहीं, वो उसने मर्डर नहीं कर रखा था, मान लिया चलो मोबाइल चोरी का भी मान लिया था वो, तो ये जैसे उन्होंने उसको टॉर्चर किया है, किस प्रकार से पीट पीट कर उसकी टांग तोड़ दी है, और उसको और भी उसको तकलीफ दे गई, यातना दे गई है, उसको धमकाया गया, डराया गया, तो मैं मानता हूँ ये सारे आम गैर कानूनी काम है सीआईए स्टाफ का, तो इसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं इसके बारे में एसपी साहब से भी अवगत करा देंगे, कार्रवाई करेंगे, इसके बाद डीजीपी को भी, अगर कार्रवाई पूरी नहीं हो तो डीजीपी को कहेंगे, फिर उसके बाद अगर नहीं कार्रवाई होम मिनिस्टर को कहेंगे, मुख्यमंत्री को कहेंगे, और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं विधानसभा का सत्र है हमारा 2 मार्च से, मैं सत्र में इस बात को, इस समस्या को उठाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रस्तुतकर्ता सबूरी चाय, आपसे मेरी चाय भी सबूरी चाय।